नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में महासू सभा का भव्य समारोह, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा कई भाजपा नेताओं ने की शिरकत। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक चुनाव क्षेत्रों के दौरे पर, राजा पटेरिया ने शिमला की 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के चयन की ली फीडबैक। मंडी पुलिस को मिली अहम कामयाबी, चोर गिरोह के 20 सदस्यों को होटल से किया गिरफ्तार। सोलन राजगढ़ रोड पे की गई टारिंग, डालते ही उखड़ी, ठेकेदार पर लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खड्डों में तब्दील सड़क से हो रही आवाजाही में परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। महासू विकास सभा के बैनर तले सोमवार सायं शिमला के संजौली में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि थे। भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में महासू को जिला बनाने को लेकर छोड़े गए सिगुफे के बाद आयोजित ये समारोह काफी ज्यादा अर्थपूर्ण लग रहा था। भाजपा के बड़ी संख्या में लोग समारोह में जुटे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में क्षेत्रवाद की खाई को मिटाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। शिमला के संजौली में महासू विकास सभा के बैनर तले सोमवार सायं एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज, जिला भाजपा अध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को अपनी संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया और प्रदेश में क्षेत्रवाद की खाई को मिटाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। एक समाज का अस्तित्व तो तभी बचता है जब वे अपने इतिहास और संस्कृति को नहीं भूलता। जो लोग संकुचित सोचते हैं उनको समझ आ जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी भी है, गांव की पार्टी भी है, हर क्षेत्र की पार्टी है, से किसी एक क्षेत्र से आप जोड़ के कह नहीं सकते। इस क्षेत्रवाद के जहर को, इस भेदभाव के जहर को जितना बिटा दें, निश्चित तौर पे जहाँ जिन ऊंचाइयों पे हिमाचल पहुंचा है इससे और ज्यादा ऊंचा जा सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से हाल ही में महासू को जिला बनाने को लेकर दिए गए बयान के तुरंत बाद महासू विकास सभा की ओर से आयोजित यह समारोह काफी अर्थपूर्ण लग रहा था। समारोह में भाजपा नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति संकेत दे रही थी कि सरकार की ओर से जिला बनाने के संबंध में शीघ्र ही कोई घोषणा हो सकती है। भाजपा के स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 67 अवार्ड मिले हैं। विकास की गंगा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बही है, उसमें जो 67 अवार्ड हिंदुस्तान की किसी भी दूसरी सरकार को नहीं मिले हैं, जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हिमाचल प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए प्राप्त हुए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा रविवार तक कांगड़ा व धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यस्त थी, तो सोमवार को ये नेतागण शिमला में ऊपरी शिमला से जुड़े कार्यक्रम में पहुंच गए। इससे भाजपा की मंशा साफ झलकती है कि वह प्रदेश के हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्शाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक इन दिनों विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के कांग्रेस पर्यवेक्षक राजा पटेरिया ने जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के चयन को लेकर फीडबैक भी ली। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को शिमला में कांग्रेस कार्यालय में भी टिकट के तलबगारों ने राजा पटेरिया से मुलाकात की। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय शिमला में टिकट के चाहने वालों की खूब भीड़ रही। कांग्रेस आला कमान द्वारा शिमला जिला के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भेजे गए पर्यवेक्षक राजा पटेरिया जैसे ही कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, वैसे ही शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, कसुम्पटी व चौपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव पर्यवेक्षक राजा पटेरिया से मुलाकात की। कई कार्यकर्ताओं ने चुनाव पर्यवेक्षक के सामने प्रत्याशी बनाने के लिए दावेदारी भी पेश की। यदि कर्नाटक की तरह सीधा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
उनका इंटरनल आंकड़ा बोल रहा है। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक राजा पटेरिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर वह जल्द अपनी रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति वफादारी व जीत की क्षमता रखना टिकट आवंटन का पैमाना होगा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस खास अभियान शुरू करेगी। 9 अगस्त से लगातार अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले आंदोलन की तर्ज पर भाजपा शिमला छोड़ो, भाजपा हिमाचल छोड़ो का आंदोलन हम अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत करेंगे और गांव के अंदर यूपीए की नीतियों का, केंद्र सरकार के बड़ी बड़ी उपलब्धियों का और कार्यकर्ताओं के आपसी संघर्ष का एक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। अभी तो टिकट की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी प्रथम दौर शुरू हुआ है और प्रथम दौर में इतनी जल्दी कह देना उचित नहीं होगा कि टिकट को लेकर के क्या विवाद है, कौन लोग ठीक हैं कौन नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन किया जाएगा। एक विधानसभा तक तीन जगह बार जाऊंगा। प्राथमिकता ये होगी कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित, कांग्रेस पार्टी की रीतियों नीतियों में रुचि रखने वाला, जीतने वाला, सक्षम और सुयोग्य व्यक्तित्व को ही प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। बहरहाल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगस्त महीने में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पैनल तैयार करके आलाकमान को भेजा जाएगा। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। लोक निर्माण व राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा राहत के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने और राजस्व संबंधी कार्यों का सरलीकरण करने का उल्लेखनीय कार्य किया है। इस बात की जानकारी शिमला में खुद गुलाब सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति के कारण लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक आपदा राहत के दायरे में लाया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिनियम में संशोधन कर अब ओलावृष्टि से नुकसान होने पर भी किसानों को राहत दी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की प्रदेश से बाहर भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो भी उसे यहां राहत देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ओलावृष्टि बहुत होती है, जहाँ भूखलन से भारी बारिश से नुकसान होता है वहाँ ओलावृष्टि से भी बहुत फसलों का, फलों का और सब्जियों का नुकसान होता है। तो पहली दफ़ा हुआ है कि ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई भी किसानों की, जो कमज़ोर और लघु किसान हैं, ओलावृष्टि से भी अगर उनका नुकसान होगा तो उसकी भरपाई जो है इस एक्ट के अनुसार, नहीं इस मैनुअल के अनुसार की जाएगी। जो आपदा से, प्राकृतिक आपदा से बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स में मृत्यु जिनकी हो जाती थी, प्रदेश में जिनकी मृत्यु होती थी उनको तो राहत मिलती थी, लेकिन जो प्रदेश से बाहर जिनकी मृत्यु हो जाए उनको नहीं मिलती थी। अब इस जो ये बनाया है नया मैनुअल, उसमें जो बाहर भी मृत्यु हो जाए या घायल हो जाए उसका प्रावधान भी इस नियम में कर दिया गया है। राहत मिलने वाली है वो केवल मात्र 1 लाख मिलती थी, अब उसे बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राजस्व संबंधी कार्यों का भी सरलीकरण किया है। पटवारियों, तहसीलदारों व उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के राजस्व संबंधी लंबित पड़े कार्यों का शीघ्र निपटारा किया जाए। रेवेन्यू जवाबदेह हो जनता के प्रति और आम जनता को राजस्व संबंधी जो मामले हैं उनका निपटारा शीघ्र हो, तत्काल हो। उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट लाई हुई हैं, जैसे पार्टीशन के केसेस हैं, निशानदेही के केसेस हैं, म्यूटेशन के केसेस को निपटाने वाली बात है, उनको चरणबद्ध तरीके से सरलीकरण नियमों में किया गया है। और पटवारी जो है वो सप्ताह में 3 दिन पटवार खाने में बैठेगा, 3 दिन लगातार पटवार खाने में बैठेगा और जो भी उसको कागज़ देने होंगे उसको उसी दिन वो कागज़ बना करके जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो भी कागज़ को लेके जाए उसका उसको निपटारा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला।
मंडी के नेरचौक में पिछले दिनों एक बुजुर्ग को लूटने में एक बड़े चोर गिरोह का हाथ था। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ इसके साथ 20 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस गिरोह के सदस्यों ने बुजुर्ग से 1.5 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस ने इनको मंडी में एक होटल से गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश के हैं, जो कि इलाके में चोरियों को अंजाम देते हैं। पुलिस को आशंका है कि ये गिरोह प्रदेश के दूसरे जिलों में हुई चोरियों में भी संलिप्त हो सकता है। मंडी के नेरचौक में गत दिनों एक बुजुर्ग को लूटने में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक बीती 7 जुलाई को नेरचौक के एक बुजुर्ग ने स्थानीय बैंक से 1,50,000 रुपए अपने बेटे के इलाज के लिए निकाले थे। बैंक से बाहर आते ही चोर गिरोह के सदस्यों ने बुजुर्ग का पीछा करना शुरू कर दिया और मौका पाते ही पैसों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इन चोरों का सुराग मिला और मंडी के 2 होटलों में छापेमारी कर मध्य प्रदेश के 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। इनके कब्जे से चोरी किए गए 2,80,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह लोग बैंक व एटीएम के आसपास रहते थे और मौका देखते ही चोरी को अंजाम देते थे। एक बुजुर्ग आदमी है हुकुम चंद, वो बैंक में गए और उन्होंने 1.5 लाख रुपए निकाले और उसके बाद जब वो बैग में डाल के उस पैसे को बाहर जा रहे थे, कुछ लोग और कुछ लेडीज और एक कुछ बच्चे किस्म के लोग थे और उन्होंने फिर ये बोला कि आपके कपड़े गंदे हो गए, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करके फिर उनका ध्यान डाइवर्ट हुआ और फिर उन्होंने बैग अपना साइड में रखा और फिर ये वो बैग लेके फरार हो गए और उसमें 1.5 लाख रुपए था। तो इस पे चोरी की एफआईआर रजिस्टर हुई थी और पिछले 2 दिन से एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई थी DSP अभिमन्यू की लीडरशिप में। तो ये इन्होंने CCTV फुटेज की मदद से और दूसरे क्लूज़ की मदद से इन्होंने आज मंडी में ही प्रताप पैलेस, होटल प्रताप पैलेस और होटल किंग सिटी से इस गैंग को गिरफ्त में लिया है। इसमें करीब 14-15 एडल्ट हैं और 2 लेडीज हैं और एक बच्चा भी है। पुलिस अब अन्य जिलों में हुई चोरियों की जानकारी जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन चोरियों में भी इनका हाथ तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल मंडी। प्रदेश में 2 नई तहसीलें और 3 उप तहसीलें बनेंगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इनको मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं। बिलासपुर के स्वारघाट में नया विकास खंड बनाने का भी बैठक में फैसला लिया गया। वहीं सरकार ने प्रदेश में रोगी कल्याण समिति और अनुबंध पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को इंसेंटिव बढ़ाने और दुर्गम इलाकों में तैनात MBBS चिकित्सकों को भी इंसेंटिव देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की सोमवार देर शाम को हुई बैठक में हमीरपुर की टॉनी देवी को तहसील बनाने और कांगड़ा के मुल्तान उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर तहसील करने को मंजूरी दी गई। बैठक में मंडी में सरकाघाट के टिहरा, कांगड़ा के नगरोटा सूरियां और सूलन के दारला घाट में उप तहसील खोलने का भी फैसला लिया गया। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में नया विकास खंड खोलने को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने रोगी कल्याण समिति और अनुबंध पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों का इंसेंटिव भी बढ़ाया है। अब इनको तैनाती क्षेत्र की स्थिति के अनुसार 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए बतौर इंसेंटिव मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए थे। कठिन क्षेत्रों में तैनात MBBS चिकित्सकों को भी 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को जिला स्तर पर क्रियाशील बनाने के लिए 84 पदों को भरने का भी फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।